बॉलीवुड की गलियारों में हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहता है चर्चित परिवार देओल परिवार। देओल परिवार से जुड़ी अक्सर कई बड़ी खबरें सामने आती रहती हैं। वेल दोस्तों, बताना चाहेंगे आप सभी को कि हाल ही में फैंस के लिए एक गुड न्यूज़ आई है। जी हाँ, हम बताएंगे आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड के हेमंत धर्मेंद्र आज भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। 85 साल के हो चुके हैं धर्मेंद्र, लेकिन आज भी अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। बीते लंबे समय से खबरें आ रही हैं कि धर्मेंद्र एक बार फिर से अपने दोनों बेटों के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं। दरअसल खबरें आ रही हैं सुपरहिट फिल्म अपने की सीक्वल अपने 2 को लेकर। जी हाँ, जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। दरअसल इस फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अब तक कई बयान जारी किए हैं और बताया है इस फिल्म की शूटिंग के बारे में। वेल दोस्तों, बताना चाहेंगे आप सभी को कि इस फिल्म में धर्मेंद्र अपने दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ एक बार फिर से अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो वहीं इस फिल्म में उनके पोते यानी कि सनी देओल के बेटे करण देओल भी अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। खास बात यही है कि इस फिल्म में इस स्टार परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ दिखाई देने वाली हैं, जिसके चलते फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस फिल्म का। हालांकि देखा जाए तो अभी तक इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत नहीं हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश भर में कोरोना वायरस महामारी की दहशत बरकरार है। लॉकडाउन खत्म होते ही इस फिल्म पर काम करना शुरू हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो हाल ही में सामने आया है कि डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इस फिल्म को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। फिल्म के बारे में बात करते हुए अनिल शर्मा ने बताया है कि हम अपने 2 के लिए मार्च या फिर अप्रैल की रिलीज टाइमिंग के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये अक्टूबर तक भी खींच सकता है। ये एक बड़ी फिल्म होने जा रही है और हम पंजाब और लंदन में इस फिल्म की शूटिंग की तैयारी कर रहे हैं। हम शूटिंग के लिए हालात के ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं। शूटिंग के लिए हमें एक बॉक्सिंग स्टेडियम और क्राउड की ज़रूरत होगी। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर काम करना बाकी है। यह अकेली ऐसी फिल्म होगी जिसमें धर्मजी, सनी देओल, बॉबी देओल और करण देओल एक साथ दिखाई देंगे और मैं भी पहली बार सभी के साथ एक साथ काम करने जा रहा हूँ, इसीलिए फिल्म को लेकर जल्दबाजी नहीं की जा सकती है। और इसी वजह से देखा जाए तो कोरोना वायरस महामारी की दहशत को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म की शूटिंग पर काम करना शुरू किया जाएगा। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।